दोस्तों आज 21 रमजान है, तो आज तंजीम हुजूर सरकारी कला की जान से आफ्तारी का इंतजाम किया गया है। आफ्तारी के पुरनूर मंजर आपको दिखाते हैं, और आज हजरत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन है, तो उनके नाम से आफ्तारी का एहतमाम किया गया है। हमारे गांव की तंजीम हुजूर सरकारी कला की जानिब से, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको अपने गांव की जामा मस्जिद का पुरनूर मंजर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे शहडोल जिले के खैरहा गांव की जामा मस्जिद, जहां मरकजी आफ्तारी का एहतमाम किया। तो देख सकते हैं तंजीम के सारे नौजवान हजरात जो है वो आफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं, और यह दोपहर के 3 बजे का टाइम है। तो बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है, उमैद भाई जो है बिरयानी बना रहे हैं, और बहुत अच्छी दम बिरयानी बनाते हैं। ये गुड्डा भाई जो हमारी तंजीम के खजांची हैं, तो उनकी जानिब से बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त किया गया है। देखिए अभी जो है बिरयानी का जो मसाला पूरा तैयार हो रहा है, गोश्त वोश्त डाल के इसमें मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती पुदीना चैली धूड़ा सब चीज़ डाल के उमैद भाई तैयार कर रहे हैं ये। और एक जगह जो है पूरा चावल का उबल रहा है, जब भाप आ जाएगा तो इसमें पलट देंगे और फिर ऊपर से दम बना देंगे। तो इस तरह से दम बिरयानी तैयार हो रही है, जिसको उमैद भाई बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और तंजीम के सारे हजरत अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको देख जो चढ़ा हुआ है वो भी दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए पूरा मसाला तैयार हो चुका है, डालडा घी और दही सब चीज़ जो है वो उमैद भाई डाल दिए हैं। और यहाँ देखिए एक गंज में जो है चावल उबल रहा है, जब ये भाप आने लगेगा तो इसमें मसाला वसाला जो अभी ग्रेवी पूरी तैयार की गई है उसको ढक के और फिर ऊपर से जो है वो भाप दे दिया जाएगा, मतलब दम कर दिया जाएगा। ये हमारे बाबा वो भी उमैद भाई के साथ बखूबी बिरयानी मसाला। अब ये देखिए शाम का जो है 5 बजे का नजारा है, 5 बजे कुछ इस तरह से पूरी आफ्तारी तैयार करके तंजीम के नौजवान हजरात ले आए हैं। और आफ्तारी में आपको बता दूं बिरयानी के साथ साथ इमरती जो जलेबी होती है नागपुर की फेमस है, और दही बड़ा और जूस लीची वगैरह का इंतज़ाम किया गया था। ये हमारे गांव के तंजीम की जानिब से मरकजी आफ्तारी का एहतमाम किया गया। अल्लाह तबारक ताला तमाम देने वालों की और जो इसमें शामिल हैं उन सब लोगों की दुआओं को सरफे कबूलियत बख्शे, उनका उनको नेक सिला अता करे, और ऐसे ही कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी रोजेदार को आफ्तारी करवाया अल्लाह तबारक ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद हो जाती है। खजूर रखें, मुझे खजूर खाइए। बैठ राजा, उमैद राजा कबे इतना अच्छा तो